हम लोगों की संडे की स्टार्ट काफ़ी डिस्टर्बिंग हुई थी। अगर आप लोगों ने हमारा सैटरडे का व्लॉग देखा होगा तो हम लोगों ने काफ़ी फ़न किया था। हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हमारा संडे ऐसे स्टार्ट होने वाला है। एक्चुअली क्या हुआ, आशु को फ्राइडे नाइट लाइफ चेस्ट में थोड़ा सा पेन हुआ, तो हमें लगा गैस्ट्रिक का पेन होगा और वो सो गए, तो नेक्स्ट मॉर्निंग बिल्कुल ठीक था। सैटरडे बहुत अच्छे से गया, फिर सैटरडे नाइट फिर से वही पेन स्टार्ट हो गया और वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया कि वॉक करने में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर हम लोगों ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया और मैं डायरेक्टली आशु को हॉस्पिटल लेकर आ गई। और ये क्लिप जब मैंने रिकॉर्ड किया है तब तक हमें पता चल चुका था कि हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ECG हो गया था और काफ़ी टेस्ट हो चुके थे, थैंक्स टू गॉड। और मैं ये क्लिप नहीं पोस्ट करने वाली थी, बट हर बार क्या होता है, मैं जब भी ये चैनल मैंने 4 साल पहले बनाया था और जो मैंने पहला वीडियो डाला था आज मुझे उस पर 100K मिल चुके हैं, बट बीच में वो चैनल पे मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया क्योंकि कुछ भी होता था, अविश बीमार हो जाता था या कुछ भी ऐसा हो जाता था तो मुझे लगता था कि यार नज़र लग जाती है, तो मैं चीज़ें करना छोड़ देती थी। बट अभी मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि किसी चीज़ को मतलब तुम अच्छा कर रहे हो तो उसको छोड़ना क्यों है, एटलीस्ट लोगों को अपनी वो वाली साइड भी दिखाओ कि तुम्हारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं। तो यस, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, सबकी लाइफ में दुख आते हैं, ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोग हमारे वीडियोस देखकर ये बोलते हैं कि बस तुम लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे तो मज़े हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबकी लाइफ में अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, बट कुछ लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स दिखाना मतलब वो उनकी पर्सनल चॉइस है, और हमें लगता है कि हम अपनी सिर्फ खुशियां ही लोगों को दिखाएं कि एटलीस्ट कोई हमारा वीडियो देख रहा है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आए, ना कि हमारी वीडियो देख के उसका मूड ऑफ हो। अविश मेंटली एंड फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग है, बट वो डैडी को ऐसे देखकर पेन में वो भी काफ़ी इमोशनल हो गया था। फिर मैंने उसको आईपैड दिया जिससे कि उसका माइंड डाइवर्ट हो। टेस्ट रिजल्ट से कंफर्म हो गया था कि ये मसल पेन है, डॉक्टर ने मसल पेन का मेडिसिन दे दिया था, उससे आशु को काफ़ी रिलीफ मिला और घर आकर भी अच्छे से रेस्ट किया, पेन से काफ़ी आराम मिल गया था। लेटर दैट सेम इवनिंग, संडे इवनिंग हम लोग आ गए थे एक बर्थडे पार्टी के लिए, बिकॉज आशु को भी काफ़ी रिलीफ फील हो रहा था और घर बैठ के फालतू स्ट्रेस लेने में भी कोई फ़ायदा नहीं था। हम लोग आए थे गेट एयर टेम्पोलिन पार्क पोवे। आप किसी भी टेम्पोलिन पार्क में जाते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए होते हैं सॉक्स, तभी आप जंप एरिया में जंप कर सकते हैं। तो इधर हमने अविश के सॉक्स कलेक्ट कर लिए थे, जो लोग पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं उन्हीं की तरफ से आपको वो सॉक्स भी मिलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो डाउन स्टेयर्स है उधर जंपिंग एरिया होता है, अप स्टेयर्स आपका पार्टी रूम होता है जहाँ पर आप खाना पीना एंड डेकोरेशन कर सकते हैं, केक कटिंग कर सकते हैं। इधर अविश जंप कर रहा है, प्ले कर रहा है बर्थडे बॉय के साथ। Now all kids came upstairs and they are enjoying their pizzas and snacks here. Look, they are looking so happy. Touch wood. ये अविश का फ्रेंड है, जब अविश 2 ईयर्स का था तब से ये लोग दोस्त हैं और अभी वो हमारे घर से काफ़ी दूर रहता है तो ज़्यादा मिलना नहीं हो पाता, और वो एक ट्रिप पे गया हुआ था और वो लोग आज ही आफ्टरनून में वापस आए हैं और वो भी बर्थडे पार्टी में आ गया जो एक्सपेक्टेड नहीं था, और अविश उससे मिलकर बहुत हैप्पी हो गया था। गेट एयर टेम्पोलिन अदर टेम्पोलिन पार्क से बेटर भी है और डिफरेंट इसलिए है बिकॉज अगर आप अदर देन पिज्ज़ा अपने गेस्ट को कुछ और खिलाना चाहते हैं तो वो आउटसाइड फूड भी अलाउ करते हैं जो अदर टेम्पोलिन पार्क नहीं करते हैं। After cake cutting, they start playing again, और सब लोग खूब enjoy कर रहे थे। बहुत ही प्यारा सा birthday party था, food बहुत tasty था और अविश ने भी खूब enjoy किया। Guys, इसी के साथ end होता है हमारा संडे का vlog। अगर आपको हमारा vlog पसंद आया है तो please like, subscribe and share। जल्दी मिलते हैं आपसे new vlog के साथ। Thank you for watching this vlog।